ये क्या पूरा मामला है? इसमें गाय को मारा जाता है और उनकी हड्डी और चमड़ी बेची जाती है। ये गौशाला है यहाँ पर? ये गौशाला के नाम पर गौशाला चलाई गई थी, पर उन पूरी गायों को मारने का एक प्लान के तहत चला जाता है और फिर उनको गड्ढे में डाल दिया जाता है। कितनी गाय होंगी लगभग? कम से कम 1000 से कम गाय नहीं होंगी। अच्छा, कुएं में भी भारी हुई है और बाहर भी मिल रही है। कम से कम 200-300 गाय कुएं में है। एक कुआ पड़ चुका है और पूरे तालाब के कोने में पड़ी है 500-700 गायें भरी हुई। इस गौशाला को कौन चलाता है? इस गौशाला को संचालन श्रीमती निर्मला सांडलनी जी संचालन करती हैं। बस वही करती हैं इस गौशाला को संचालन? अभी इनकी कोई समिति बनी होगी, अपन को नॉलेज नहीं है, घर के हैं या बाहर के हैं जो भी हैं, लेकिन मुख्य अभी प्रमुख यही है। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? सरकार से भाई ऊपर ही मिलती जो मदद वहीं से आता है। तो आप तो भाजपा कार्यकर्ता, आपको तो मदद मिलती? कार्यकर्ता सबको एक निगाह से देखते हो तो सर। अच्छा, आपको मदद, तो फिर आपको इतनी गाय रखनी नहीं चाहिए अपने पास? तो मेरी हैसियत के हिसाब से रख लेती हूँ सर, अभी सर्दी तो फिर मर गई। आप कम से कम 200 गाय 300 गाय की लाशें पड़ी हुई हैं और ये सब ताजी लाशें हैं, अभी तो पुराने हड्डियां तो है नहीं इनके सबके ऊपर मांस, मतलब ये सब 200 गाय तो लगभग अभी की हैं। अरे कुछ तो सर जी इन्होंने फोटो मोटो खिंचवाई, आड़ी पटक दी आज, इसलिए भी इन गायों की मौत हो गई। भाई घुस घुस के कहीं खड़ी गाय को बिठा रहा है तो आड़ी को नहीं, ये तो मरी हुई है ना गाय, तो मरे जान नहीं, सात गाय तो सामने मरी हुई, जान नहीं निकलेगी। जब कमजोर गाय को तुम ऐसा हिलाओगे डुलाओगे फोटो खींचोगे वीडियो बनाओगे तो बताओ। और जो कुएं में पड़ी है 100-150 गाय गड्ढा बना, अरे वो सब ताजी गाय अभी की? ताजी नहीं सर, पुरानी, कब की पुरानी गाय है सर। चलिए ठीक है, ताजी नहीं सर। गौ सेवा गौशाला जो की एक निजी गौशाला है, निर्मला शांडली जी द्वारा जो संचालित है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए उनके द्वारा नहीं किया गया है, उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। CEO जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सबका इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो